जय हरियाणा, जय भारत, जय भारत। बजेगा हरियाणा, बजेगा बच्चे का हरियाणा बच्चे का नहीं तो जो दी ले रहे तो बच्चे पर ब्रेड पकोड़े तो गुड गुड। कैसे हो आप? लियन किससे बड़ी बुलंद दोस्तले देखने सारे भाई ना राम राम। आज बुलंद दोस्तले की टीम पहुंच चुकी है संभाल का के अंदर। आप सभी को पता है कि आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं भाई जिया देसी और भाभी जिया कॉर्नरी, जो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है इनकी। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से हरियाणा आ चुके हैं अपने भाई देसी भाई और भाभी जी हैं, साथ में कोट लेके फिरते रहते हैं, साथ में कोट नहीं लेके फिरते रहते हैं, जो हरियाणा में अपा कोट बोलते हैं लेकिन भाभी जी का नाम है कोट नी। तो जैसे कि राम राम भाई, पहले तो राम राम भाई सारा बुलंद दोस्त देखना एक बार सारा राम राम कर दे। हाँ राम राम भाई सबको। अभी जी आप भी राम राम कर दे। राम राम भाई, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, आपको भाभी जी मिली हैं, तो बता सकते हो भी कहाँ मिली है, कैसे मिली है? पहले तो हम भाई जॉब करा करते भाई इकट्ठे। अच्छा। हाँ बस जॉब करा करते अपना, बस थोड़ा मुलाकात हुई थी जॉब पे ही मुलाकात हो गया। तो जैसे कि अब हरियाणा में, हरियाणा के आप हरियाणवी भाषा बोलते हो, भाभी जी बोलते हैं इंग्लिश, तो कैसे समझती है आपकी भाषा ये? ना दुगर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो। अच्छा। दुगर हम भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हरियाणवी तो वो तो दुगर साथ रहते थे 8 साल ओलिविया ने, तो अपना दुगर थोड़ी बहुत अपना दुगर समझ ले है, थोड़ी बहुत बोल ले है। ओके। हाँ, पर नॉर्मली तो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अच्छा। जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप एक अंग्रेज जनको के साथ शादी कर रहे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज़ के बारे में? ना उनका रिस्पॉन्स दुगर इन्हीं ठीक था उनका, जो जैसे जब उनको मिलवाया था, मिले पछ हो जाना लगे शुरू। अच्छा। में तो थोड़ा अजीब सा लगे है, फिर जब मिलवाई भाई उन्हें जुगर मिले जुले तो भी ठीक लगी, तो बस फिर ठीक है जुगर नॉर्मल हो अगर अपना। हाँ जी। तो भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। तो आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आलू पकौड़े वाली या ब्रेड पकौड़े वाली, एक बार बोलूँगा यार सुनाऊँगे हमें। यू मेरे से तो आपकी वीडियो बहुत ऑल ऑफ इंडिया में वर्ल्ड में वायरल हुई थी बहुत ज्यादा। तो जैसे कि आप जब वीडियो बना रहे थे, आप वाकई में दारू का पैक लेके आ रहे थे या फिर वैसे भाभी के साथ वीडियो बना रहे थे? ना ना ना, दारू का पैक तो नहीं ले रहे थे, तो बस पर ब्रेड पकौड़े तो उसमें वीडियो में दिखे वो तो बना ला रहे थे, तो वो तो बस अपना बस डायलॉग डिलीवरी खतर करा था वो तो। हाँ। तो भाभी जी आपके लिए डायलॉग लेके आए हमें हरियाणवी में, आपको रिपीट करना है। हाँ यस। तो मैं बोलूँ फिर आप बोलना। बजेगा हरियाणा, बजेगा बच्चे का हरियाणा बच्चे का, नहीं तो जूत बजेगा, नहीं जो दूत बच्चे का बजेगा हरियाणा बजेगा, नहीं तो जूत बजेगा। ओह माय गॉड। बजेगा हरियाणा बजेगा, बच्चे का हरियाणा बच्चे का, नहीं तो जूत बजेगा, नहीं चौपूत बच्चे का नहीं तो नहीं तो नहीं जो जूत बजेगा, जूत बच्चे का। हाँ, ये हरियाणा का सबसे फेमस डायलॉग है भाभी जी। तो भाई ने आपको सुनाया आपने? हाँ हाँ, इस पर हमने वीडियो बना रखी थी। हाँ वीडियो बना। तो जैसे कि अभी आप इंडिया आ गए, वैसे एकदम अचानक इंडिया आने का प्लान कैसे बनाया आपने? ना अचानक तो नहीं था भाई, बस स्पेंड टाइम विद फैमिली। हाँ, दूर कोरोना करके भी सब कुछ इन बॉर्डर बंद हो रहे थे, तो जैसे बॉर्डर खुले तो बस अपना, तो इसलिए अचानक लगा ना कि भाई बॉर्डर बंद है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, तो हम 4 साल बाद आए अब। हाँ, तो बॉर्डर बस खुलने की बात देख रहे थे। हाँ, कितना खुल गए। हाँ हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर भी 15 दिसंबर से ही खोले थे, तो उसके बाद खुलते ही अपना फिर हल्ला भाई चले। एक भाई एंड भाभी जी, एक कुशेत्र से एक लड़का आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है, उसकी कमेंट भी बहुत जाता है, बंटी नाम है उसका, मैं उसके कमेंट भी देखता हूँ, तो आपको वो ज़्यादा एज ए लाइक करते हैं आपकी वीडियो को, शेयर वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक बार उसको वीडियो के माध्यम से हाय बोल दे उनको। मैं कहता बोलो भाई हेलो बंटी। आप बोलो भाभी जी जैसे हेलो बंटी। बंटी या वन ऑफ हिज नमस्ते बंटी हेलो। तो बंटी भाई, आपके जो कमेंट थे भाभी जी ने, भाई जी ने देख लिए और हमको हाय बोल दिया है, तो आप भी इनकी वीडियो को और आगे शेयर करते रहे करो। तो भाई जैसे कि आपके ब्लॉग बनते हैं टिकटॉक पे बने, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे आए थे या फिर टिकटॉक पे आए थे? पहले टिकटॉक पे भाई। टिकटॉक पे। हाँ। तो शुरुआत कैसी रही टिकटॉक की आपकी? शुरुआत बढ़िया थी भाई, आप कैसे भी है। okay. हाँ, जब आप देखो थे टिकटॉक। हाँ, तो बढ़िया थी शुरुआत। तो जैसे कि शादी से पहले आप टिकटॉक पे थे या फिर कोरोना के आने के बाद टिकटॉक पे आए आप? भाई टिकटॉक तो थी नहीं जब मेरी शादी वाली थी। अच्छा। शादी ने को 8 साल हो रहे हमारे ना। ओके। हाँ, तो टिकटॉक तो 2-4 साल पहले तो आई होगी। हाँ जी। हाँ, तो जैसे भाभी जी आप क्या क्या बना लेते हो सब्जी में अपने सासू के साथ साथ? एवरी सब्जी। हाँ, सारी सब्जी बना ले। साग गोभी पालक बना लेते हो? हाँ, साग आलू गोभी पालक, इट्स लाइक स्पिनच। या पालक इन द साग। हाँ, पालक एवरीथिंग एवरीथिंग, आलू मटर, अरवी भिंडी। जैसे जहाँ तक मैंने सुना है आलू मटर तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है।
लाइक एज आलू मटर लाइक हाँ आलू मटर इज एक नंबर फेवरेट है हाँ तो आपके क्या क्या फेवरेट है भाई सारी खा लूँ मैं सारी ये अटेंडेंस छोड़ गया टमाटर प्याज हाँ ओके तो yeah. एक आपकी वीडियो को रही थी आपने आपके ससुर जी को इंग्लिश ससुर जी को बीड़ी पिलाई थी तो उसके बारे में बताऊंगे भाई कहाँ से आपने सोचा कहाँ से बीड़ी ले गए वो ना बीड़ी तो जैसे इंडिया से लेके जा रहे थे अच्छा जी हाँ तो बस जैसे वो तो थोड़ा जैसे स्मोक करते हैं तो इसलिए बस वो ट्राई करवाए थे उनको अच्छा जी तो कैसा लगा उनको बीड़ी का स्वाद ठीक लगे भाई वो तो पीनी है ना बताऊंगा भाभी जी अगर बीड़ी शब्द बोल के दिखा दो बीड़ी पीले से बोल के दिखा दो बीड़ी तो भाई जैसे कि आप इंडिया आ रहे हो तो भाभी जी घर पर रह रही हैं तो जैसे कि आपकी फैमिली है तो कैसे इनका स्वभाव ऐसे कैसा है इनका स्वभाव उनके प्रति अरे आपकी फैमिली का कैसे इनका इनके प्रति स्वभाव ना कोई इन्हें कोई अंतर नहीं भाई जो नॉर्मल अपना जो अपना घर में रख रहा है ऐसा है सब का व्यवहार क्योंकि पहली बार थोड़ा आई है जो हम तीसरी बार आए हैं इंडिया अच्छा पहले भी आप इंडिया आ चुके हैं हाँ पहले भी दो बार पहले हम इंडिया आ चुके हैं लेकिन पहले मैं तो याद हुआ हूँ ये नहीं ये याद ओवर पहले इंडिया आ चुकी है तो इसका थर्ड टाइम है इसका ओके लेकिन अब की बार ज़्यादा आपके जानने पहचाने ज़्यादा लगे हैं लोग हाँ हाँ जैसे कि अभी मार्केट में लेके गए भाभी जी को हाँ मार्केट में गए तो अब मार्केट में हमने वीडियो में देखे उड़े मार्केट में बहुत मिला है अरे अच्छा। मार्केट में छोड़े यार घर आए 10 बजे आने लग जाए भाई शाम तक 5-6 बजे तक आना जाना को भाई लाइन लगी रहा है तो जैसे कि भाभी जी आपकी माता जी के साथ काम करते हैं तो उस इनकी भाषा कैसे समझती है भाषा जो कर भाभी है ना तो भाभी ट्रांसलेट कर दे थोड़ा और थोड़ा बहुत ये भी बोले जो थोड़ी बहुत मम्मी कैच कर ले है हाँ जो कर मम्मी पापा गेला जो कर मम्मी पापा नहीं इंग्लिश आती नहीं तो जो कर वो अपना बस काम चला ले है जो थोड़ी बहुत आपस में बोल रहे हैं जो थोड़ी बहुत हिंदी या बोलते हैं हरियाणवी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलते हैं तो काफी साल तरीका ओके ओके तो आपकी लव मैरिज हुई है वहाँ तो लव मैरिज ही होती है वहाँ तो अरेंज होती नहीं है तो सबसे पहले आपने इनको देखा था कि आपने इनको देखा था ना काम पर इकट्ठे काम इकट्ठे के तो काम कर रहे थे तो उसमें तो देखना क्या था जो काम इकट्ठे कर रहे थे अच्छा तो प्रपोज किसने किया था सबसे पहले ये वही सारे सवाल पूछे हैं तो इसने करा था इसने किया था तो भाभी जी आपने प्रपोज कैसे किया था इनको एक बार डेट खातर अच्छा डेट खातर तो डेट खातर पहला इसने पूछी थी अच्छा जानकी ओके तो कितने दिन में फिर जब आपका प्यार शुरू हुआ तो डेट पे आप जब फर्स्ट टाइम डेट पे गए इनके साथ तो उसके बाद कितने दिन बाद शादी होगी आपकी हमारी साल के बाद होगी थी शादी साल के बाद तो कैसा लगा आज के आउट ऑफ कंट्री की लड़की के साथ शादी करके अपने तो कैसा लग रहा है आज आपको भाई पूछो ये तो 8 साल हो गया वो तो उतरे लेकिन हरियाणा में आके लोग आपको देख रहे हैं पड़ोसी देख रहे हैं आपको जैसे आपके चाहने वाले आ रहे हैं आपकी वीडियो देखने के लिए इंटरव्यू के लिए आए तो कैसा लग रहा है ना नॉर्मल लग रहा है भाई ब्याह करा कर और किससे नॉर्मल है वो तो कुछ है नहीं अच्छा तो क्या डिफरेंट लग रहा है कि एक तो हरियाणा की वो और एक अंग्रेज जन हो गई तो उसमें क्या डिफरेंट लग रहा है आपको ना वो तो वो सारी सेम है ना ना कुछ डिफरेंट तो है नहीं तो बहू बहू का मतलब क्या है बहू से बहू बहू यस लाइक व्हाट दिस मीन बहू बहू मी या लाइक वाइफ हाँ इज बटेऊ इज यू या इज हस्बैंड हस्बैंड बटेऊ इज बहू या बहू इज वाइफ एंड बटेऊ इज हस्बैंड बहुत बढ़िया ठीक है तो जैसे कि आपकी और सारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो जैसे कि एक शब्द था आपका भूंडा जैसे कि मैं रिपीट करूंगा आपका डायलॉग तो आपको बोलना है बाद में भूंडा लगते हैं जैसे कि अभी मैं बोलूंगा तो आपको ये वर्डिंग बोलनी है He's gonna say his thing, yeah. And then you just say, ऐसे बुंदा लगता है. ऐसे बुंदा लगता है. ठीक है. तो कोड नहीं. हर रोज आप इंग्लिश बोलते रहते हो कभी हरियाणवी बोल लिया करो. ऐसे बुंदा लगते हैं. ऐसे बुंदा लगता है. बुंदा का मतलब पता है क्या है हरियाणवी के अंदर से? Like bad. Means bad. Yeah. Bad. Bad. हाँ. Okay. तो आपको यहाँ लगभग 3 बार आ चुके हो आप. यहाँ की लस्सी पी है आपने? तू भी थोड़ा सारी चीज खाता होगा समझ गया हाँ तो वैसे लस्सी का पीन का जुकर जी नहीं तो जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो वहाँ का जो आपका रहन सहन है घर परिवार है पूरा अपने हरियाणा के अंदर के रीति रिवाजों के साथ बनाया गया तो उसको कैसे बनाया आपने उस चीज को जैसे खाट है वहाँ पर हुक्का है आपके वहाँ पर
तो बस भाई जिसने करना हो तो कितने भी जाकर कर ले वह। हाँ तो वो कब कर तो यहीं तक लेके जा रहे थे, खाट वगैरह जैसे वहीं मिलती है तो वहीं लड़की थी। अच्छा खाट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं वहाँ से? हाँ वो मिल जाता भाई सब कुछ वहाँ, हाँ इंडियन दुकान पर सब कुछ मिल जाए, मिल जाते हैं। तो अच्छे जी भाई साहब, तो लवली, आपका नाम लवली है ना? लवलीन। लवलीन, तो लवलीन का मीन्स क्या है? लवलीन का मीन्स भाई लव, तो लव मैंने प्यार, लीन अपना मगन डूबा हुआ। हाँ बस भाई, तो प्यार में मगन, प्यार में डूबा हुआ। अच्छा, कुछ लला ये आपके बेटा जी है? हाँ, क्या नाम है इनका? लियोन। लियोन सबसे छोटे वाले? हाँ सबसे छोटा। ये कौन सी क्लास में भाई? ये तो तीन साल का भी नहीं हुआ है। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? से आई एम गुड लियोन। लियोन से आई एम गुड। थोड़ा सा सेन लाल तो कर दिस ना वो। हेलो गुड। गुड, कैसे हो आप लियोन? कैसे? बढ़िया बढ़िया से बढ़िया। नो बस भाग जाएगा। तो जैसे कि आपके एक बहुत फेवरेट शब्द है, तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उसमें वीडियो में बोलते रहते हो, नंबर वन नंबर वन, एक नंबर एक नंबर, तो यूर शब्द आपने कैसे डाला वीडियो में? हर वीडियो में जाते रहते हैं आपके? बस डाला कि भाई जो कर अपनी याद थी जो छोटे बालक थे वो एक नंबर है कभी बस नू। अच्छा हाँ, तो भाभी जी, तो भाई लवलीन जी एक नंबर है या फिर दो नंबर है? एक नंबर। एक नंबर हाँ। We've been what 9 years nearly. Yeah. So एक नंबर। एक नंबर। तो अभी आपको यहाँ। Ask him. What am I? एक और दो? एक। Lucky. तो अभी यहाँ के आपको कैसा लग रहा है हरियाणा में आके? बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया। हाँ। Okay. तो जैसे कि बढ़िया बोला, तो यहाँ पर एक शब्द भी बोलते हैं बुढ़िया, बुढ़ा, बुढ़िया। तो किसको बोलते हैं बुढ़ा बुढ़िया? You know, बुढ़िया। Yeah. Is old, you know that, yeah. हाँ, I always get it mixed up, yeah. आधुर के बढ़िया बढ़िया कहती कहती बुढ़िया कहते हैं, तो इसने तो इसने पता है इसका आग बुढ़िया के बड़े बुजुर्ग ने कहा करे। ओके, तो यहाँ का आपको कल्चर, रहना, पहनावा, खाना कैसा लग रहा है अभी आपके यहाँ के? एक नंबर। I love everything. हाँ। क्या बोले? अनुकाय लव एवरीथिंग भी, सारी चीज़ बढ़िया लगी इसको। ओके ओके, थैंक यू बाबा जी। तो जैसे कि आप बाहर ऑस्ट्रेलिया से हो, हरियाणा में अब तीन बार आ चुके हैं, लेकिन अभी आपके पास हर रोज लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस चीज़ से? It was good at the start, but it's getting tiring now. तो वो एक और गुरु मैंने भी आप तो बताई थी भाई कि भी मिलके भी सब तो बढ़िया लगा है, पर हाँ, पर जैसे भी हमें अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिल रहा। टाइम नहीं मिल रहा है? हाँ, तो सबसे मिलके भी अच्छा लग रहा है, पर भाई अपने परिवार को हम टाइम नहीं दे पा रहे। जैसे भाई हमारे 7-8 दिन हुए हैं, हम आपस में बैठ के बात करने का टाइम नहीं है, बाजार तक जाने का टाइम नहीं, भाई इतने बिजी हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको जब सुबह से बोला था कि भाई मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ भाई 10-15 दिन तक कोई घर ना हो, ताकि भाई आपसे मिलकर सबसे अच्छा लगता है भाई, पर भी थोड़ा भाई हम भी अपना टाइम स्पेंड कर ले फैमिली के साथ। हम भी 4 साल बाद आए भाई, क्योंकि फैमिली से भी अच्छी तरह अभी तक हमने मिले जुले नहीं है, अभी रिश्तेदारी में भी जाना है, तो जैसे इसलिए कह रहा था। Okay. पर वैसे भी सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें इतना टाइम दिया। तो भाभी जी एक शब्द और बोलूंगा आखिरी आखिरी समय, एक हरियाणवी शब्द है लोग। लोग मींस हस्बैंड। ओके, लोग मींस हस्बैंड। आई डिडंट नो। यू आर लोग एंड आई एम लोग। नो, यू आर माय लुगाई, आई एम योर लोग। लुगाई एंड लोग, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ऐसे शब्द सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है हरियाणवी इतने अच्छे शब्द सुनकर। It's good. Every day, something new. Okay. Huh, हर नए दिन कुछ, यानी नए दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सभी भाई, जैसे कि वीडियो आ चुकी है अपने चैनल पर भाई की और भाभी जी की, कोडनरी की, तो कोडनी सॉरी भाई अगर नाम गलत ले रहा हूँ मैं। तो सभी जाके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना बहुत ज़्यादा। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। भाई जय हरियाणा बोलो। जय हरियाणा भाई, जय भारत भाई। आप भी बोलो जय हरियाणा, जय भारत, जय भारत। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।